नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं आपका दोस्त रफी अरुण गौतम एक नई सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए, मोहम्मद रफ़ी साहब के अनजाने गीतों और फिल्मों का सफ़र रफी अरुण गौतम के साथ। मैंने अभी पिछली सीरीज में आपको मैं शादी करने चला फिल्म के बारे में बताया था, बड़ी रेयर मूवी थी, उसके गानों के बारे में बताया था। अब दूसरी, आज मैं आपके इस सीरीज की दूसरी फिल्म लेके आया हूँ। उस फिल्म का नाम है अपना बना के देखो। ये बहुत ही रेयर मूवी है और ये मूवी भी कहीं भी दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है, और उसमें रफ़ी साहब के बड़े लाजवाब गाने थे। और मैं इस फिल्म के बारे में बताऊंगा कि ये फिल्म 1962 की चित्रा संगम मुंबई की फिल्म थी, और जिसके डायरेक्टर थे जगदीश नरूला जी, और संगीत दिया था मेरे प्रिय संगीतकार रवि साहब ने। और रवि साहब ने रफी साहब के साथ बहुत अच्छा काम किया, और बहुत लंबे समय तक, 70 के दशक तक खूब काम किया। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे आशा पारेख और मनोज कुमार साहब, और गीत लिखे थे एस एच बिहारी और असद भोपाली साहब ने। और इस फिल्म की मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि गाने शेयर करने से पहले, उसी दौरान वो असली नकली देवानंद साहब की एक फिल्म आई थी, तो वो बड़ी सुपर डुपर हिट हुई थी, जिसमें जो देवानंद साहब है वो बहुत रईस होते हैं, और वो रईसी का जो उनका आलम होता है वो उससे परेशान हो गए होते हैं, तो वो चाहते थे कि जीवन को छोड़ के कहीं किसी गरीब बस्ती में जाके रहें। तो वो एक नया ट्रेंड फिल्म में आया था उस दौर में। तो इसमें एक रोमांटिक पहलू दिखाया है कि मनोज कुमार बहुत रईस आदमी होते हैं, और वो उनकी जो मदर है वो बार बार उनसे फरमाइश करते हैं कि अपने लिए लड़की देख लो शादी के लिए। तो वो कहता है कि मैं इतनी बड़ा रईस आदमी और मुझे पता नहीं कौन सी लड़की कैसे मिल जाए। तो वो उसके लिए दुविधा थी, तो उसकी मदर एक लड़की का जिक्र करती है आशा पारेख जी की तस्वीर दिखा के। तो मनोज कुमार को लड़की बहुत पसंद आती है आशा पारेख, लेकिन मनोज कुमार की एक शर्त होती है इस फिल्म में कि मैं लड़की को देखने जाऊंगा भेष बदल कर किसी दूसरे नाम से। तो मनोज कुमार साहब ड्राइवर बन के आशा पारेख के घर जाते हैं, और वो उसी घर में ऊपर रुकते हैं। और फिर क्या होता है कि वहाँ धीरे धीरे वो दोनों का मिलना जुलना शुरू होता है, और वो धीरे धीरे मनोज कुमार जी उसके प्रति आकर्षित होते हैं और प्यार करने लगता है मनोज कुमार साहब उनको आशा पारेख जी के साथ। और ये स्टोरी थी। फिर जब दोनों का रजामंदी हो जाती है फिर शादी हो जाती है। तो ये है फिल्म की स्टोरी अपना बना के देखो। बहुत रेयर मूवी, रेयर गाने, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म में 4 गीत थे मोहम्मद रफी साहब के, और 2 सोलो गाने और 2 ड्यूट गाने। और जो ड्यूट गाने हैं वो आशा भोसले जी के साथ थे, और रफी साहब का जो वो पहला जो गाना था ड्यूट, हम तो पहली ही नजर में दे चुके दिल तुम्हें, इसे लिखा था असद भोपाली साहब ने, और मैं ये गाना आपको सुनाना चाहूंगा। हम तो पहली ही नजर में दे चुके हैं दिल तुम्हें, हम तो पहली ही नजर में दे चुके हैं दिल तुम्हें। अभी आपने गीत सुना, हम तो पहली नजर में दिल दे चुके सनम। इस फिल्म का दूसरा जो रेयर गीत था वो रफी साहब की आवाज में था, तेरे सदके मिला दे मेरा यार ऊपर वाले। बहुत प्यारा गाना है। रफी, देखो दुनिया की बाहर ऊपर वाले, तेरे सदके मिला दे मेरे यार ऊपर वाले, इसे लिखा था एस एच बिहारी साहब ने, और ये भी आपको मैं गाना सुनाऊंगा।
तेरे सदके मिला दे मेरा यार ऊपर वाले, तेरे सदके मिला दे मेरा यार ऊपर वाले, देखो दुनिया की मैं भी बहार ऊपर वाले, देखो दुनिया की मैं भी। अभी आपने मोहम्मद रफी साहब का दूसरा गाना सुना, तेरे सदके मिला दे मेरे यार ऊपर वाले। अब मैं आपको इस फिल्म का जो तीसरा गाना था वो सुनाना चाहूंगा। उसके बोल हैं, हम प्यार तुम्हें करते हैं हमें अपना बना के देखो, हम प्यार तुम्हें करते हैं हमें अपना बना के देखो, हम प्यार तुम्हें करते हैं हमें अपना बना कर देखो, हम प्यार तुम्हें करते हैं हमें अपना बना कर। अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफी साहब का, हम प्यार तुम्हें करते हैं हमें अपना बना के देखो। अब इस फिल्म का जो जबरदस्त जो रेयर चौथा गाना था मोहम्मद रफी साहब का, इतना जबरदस्त गाना था आप यकीन नहीं करोगे कि हम स्कूल से जब आप घर आया करते तो रेडियो पर कहीं ना कहीं ये गाना बज रहा होता था, इतना रेयर गाना था। और वो हमेशा भूले बिसरे गीत दोपहर को आया करते थे मनचाहे गीत, वो उसमें ये गाना खूब बजा रफ़ी साहब का, और इतना प्यारा गाना है। और इस गाने के बोल आप खुद सुनिए गाना, और कितना बेहतरीन गाना है। राज दिल उनसे छुपाया न गया, राज दिल उनसे छुपाया न गया, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की। राज दिल उनसे छुपाया न गया, कितना बेहतरीन गाना था। और एक गाने की कशिश देखिए रफी साहब की, क्या दिलकश लाजवाब आवाज है, जो बिल्कुल रूह को सुकून देती है ये आवाज रफी साहब की, कितना बेहतरीन रेयर गाना है ये। और इस गाने के बारे में एक और मैं बताना चाहूंगा, इस फिल्म में जो अभी YouTube पे भी ये गाना अवेलेबल है जो ऑडियो इसका, वो दो अंतरे हैं इसके, तो वो दो अंतरे मैं आपको बताना चाहूँगा। वो दो अंतरे हैं, पहले जो है पहला अंतरा, पहले पहले तुम मुझे वो समझ भी ना सके, और दूसरा अंतरा था, आँख मिलते ही झुकी। ये फिल्म के दो अंतरे हैं जो आपको ऑडियो में YouTube पे अवेलेबल है, लेकिन फिल्म के अंदर ये साउंड ट्रैक पे ये तीन अंतरे में था गाना, बड़ा लाजवाब। और आपको एक चीज मेरे दोस्त एहसान से मैंने जब इस फिल्म के बारे में जिक्र किया था तो उन्होंने मुझे एक नई बात बताई कि इस फिल्म के सारे गाने के एक्सटेंडेड वर्जन है, वो भी फिल्म में अवेलेबल थे ये साउंड ट्रैक पे, हर एक का एक एक एक्सटेंड वर्जन है। तो अभी क्या हुआ कि मेरी बहुत जो मेरा फेवरेट गाना था राज दिल उनसे छुपाया ना गया, मेरी बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि इस गाने का जो तीसरा अंतरा कहीं से मिले, जो मैं आपको अक्सर अपने चैनल के माध्यम से पेश करता रहता हूँ तीसरे अंतरा या स्पेशल अंतरा कोई, तो ये अंतरे के लिए भी मैं कितने सालों से लगा हूँ कि कहीं मिल जाए, लेकिन मुझे इसकी एक बुकलेट मिली अपना बना के देखो की, और उस बुकलेट में मुझे वो गाने का तीसरा वर्डिंग है जो अंतरा है वो लिखा हुआ मिला मेरे को, और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर वो कहीं अंतरा आपको कहीं ऑडियो के रूप में मिलता है तो मैं भी दुआ करता हूँ कि हो किसी को मिल जाए या मुझे मिले, तो मैं सबसे पहले शेयर करूंगा। और वो अंतरा आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ, मुझको पहचान के वो दर्द दिल जान के वो कुछ परेशान सी है, कुछ पसे मान सी है, इतनी शर्माई हुई है हमसे, इतनी शर्माई हुई है हमसे, सर झुकाया तो उठाया न गया,
सर झुकाया तो उठाया न गया, प्यार की आग कुछ ऐसी भड़की, एक सोला भी दबाया न गया, राज दिल उनसे छुपाया न गया। अभी आपने रफ़ी अरुण गौतम के साथ जो मोहम्मद रफ़ी साहब की अनजाने फिल्मों और गीतों के सफ़र में दूसरी सीरीज अपना बना के देखो कि गाने और फिल्म के बारे में जाना, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अपना बना के देखो बहुत पसंद आई होगी, और ये आपने रिकॉर्ड के थ्रू ये गाने सुने वो भी पसंद आए होंगे, और चूंकि कॉपीराइट का कुछ ऑब्जेक्शन है तो फुल गाने मैं रिकॉर्ड के नहीं चला रहा, आपको मुखड़े सुनाए हैं मैंने ताकि आप यूट्यूब पे अवेलेबल हैं गाने, वो आप सुन सकते हैं। और मैं आपको फिर एक बार आपसे विनती करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अपनी अगली जो सीरीज का फिल्म लेके आ रहा हूँ आपके बीच, वो बड़ी रेयर मूवी है, वो भी पूरी दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है, और उस फिल्म के जो हीरो थे सलमान खान, सुपरस्टार सलमान खान के पिताजी, उनके अब्बा हजूर सलीम खान साहब, तो वो अगली मूवी मैं लेके आऊँगा आपके बीच, बचपन ज़रूर देखिएगा, तीसरी सीरीज बचपन।